हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी वाई बीकॉम। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर फॉर टैक्सेशन। आई एम योर टैक्स टीचर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड एज टैक्सेशन। इन दिस टैक्सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? आपने एसआई बीकॉम में भी पढ़ा है, एफआई बीकॉम में भी आपने टैक्सेशन पढ़ा होगा। ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हैं टैक्स क्या है। लेकिन आपने जो एफआई बीकॉम एसआई बीकॉम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है टैक्स के बारे में, वो क्या पढ़ा है? टैक्स के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन टीवाई बीकॉम में ये एक सब्जेक्ट है और हम टीवाई बीकॉम में इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग टीवाई बीकॉम में जो पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, वो ये क्या पढ़ेंगे? टैक्स लॉ। हम लोग लॉ पढ़ेंगे टीवाई बीकॉम में। आपको टैक्स लॉ, अब लॉ सुन के आप घबराना ना। मैं जानता हूं आपने एसआई बीकॉम में लॉ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आपको लॉ बहुत डिफिकल्ट भी लगता था, लेकिन ये जो टैक्स लॉ है बहुत इजी है। मैंने इसके नोट्स बनाए, थ्योरी नोट्स बना के रखे, और मैं आपको बता दूं जो टैक्स लॉ के थ्योरी नोट्स है सिर्फ 30 पेजेस के जो मैंने रखे, और वो 30 पेजेस ऐसे हैं कि आप पढ़ेंगे ना आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा वो 30 पेजेस में। मैं आपको वो सारे जो भी मैंने थ्योरी नोट्स बनाए हैं, जो भी इनके टैक्स लॉ के प्रोविजन है, सेक्शन है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, एवरीथिंग। नोट्स भी दूंगा, हम लोग सम सॉल्व भी करेंगे क्लासरूम के अंदर। मैं आपको ये सब्जेक्ट एकदम सिंपल बना के, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग आप ये सब्जेक्ट में 100 out of 100 भी स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंट्स में कर सकते हैं फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वैसे टैक्सेशन में भी आप 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, सब बताऊंगा, सिलेबस क्या पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ये जो आप पढ़ने जा रहे हो, एक चीज याद रखना, क्या पढ़ने जा रहे हो? टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हो। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है? क्या है टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम। टैक्स क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। किसका सोर्स ऑफ इनकम? तुम्हारा, मेरा? नहीं, ये सोर्स ऑफ इनकम किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है क्या? टैक्स। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? ये एक रास्ता है। गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करता है, गवर्नमेंट एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं चलाता है, गवर्नमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग गवर्नमेंट क्यों बना, हम लोग क्यों इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट? ताकि पब्लिक को सर्विस मिले, सेवा देने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। मेन इंटेंशन गवर्नमेंट का प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों को सेवा देना, सर्विस प्रोवाइड। और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप खुद सोचो, आपको अपने घर में घर चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? अभी तो सबको पता होगा, आज 2 महीने से हम लोग घर में बैठे हैं, 1 रुपया कमा नहीं रहे, लेकिन खर्चा तो रोज हो रहा है, तो पैसा हमको चाहिए, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट को तो हमसे ज्यादा पैसा चाहिए। उसको 130 करोड़ लोगों का ध्यान रखना है, 130 करोड़ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इतने सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो उसको बहुत सारा पैसा चाहिए। अब उसका तो कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं है गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट के पास में फिर पैसा कहां से आएगा? तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है पैसा कलेक्ट करने का, और वो रास्ता है कौन सा? टैक्स। गवर्नमेंट अपने लोगों से टैक्स लेती है। और मैं आपको
एक बता दूं कि ये सिर्फ भारत की सरकार नहीं करती, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, ऐसा नहीं है दुनिया में। दुनिया की हर गवर्नमेंट, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो या यूरोप, कोई भी कंट्री हो दुनिया, हर गवर्नमेंट अपने लोगों से क्या लेती है? टैक्स। कोई भी गवर्नमेंट बिना टैक्स के सर्वाइव नहीं कर सकती, किसी न किसी तरह से वो लोग अपने पब्लिक से टैक्स लेते हैं। ये बात आप समझो, तो भारत की सरकार भी पब्लिक से क्या लेती है? टैक्स लेती है। और टैक्स से जो पैसा आता है गवर्नमेंट अपने जेब में नहीं लेके घूमती, वो पब्लिक पे खर्चा करती है। कैसे खर्चा करती है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है, पब्लिक को रोड्स प्रोवाइड करती है, हाईवे प्रोवाइड करती है, पब्लिक के लिए फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिससे फार्मर्स को, लोगों को पूरे साल वाटर सप्लाई मिलता है, कंट्री का डिफेंस पे खर्चा किया जाता है, कंट्री के हेल्थ पे खर्चा किया जाता है। अभी तो आप सब जान रहे हैं कि हमारे देश में भी, देश में क्या, पूरी दुनिया में COVID-19 है कि नहीं? इतनी बड़ी बीमारी ने सबको परेशान करके रखा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों का कितने सस्ते में इलाज हो रहा है? क्या डॉक्टर्स वहां पे पैसा नहीं लेते? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेस पैसा नहीं लेती? वो लोग भी पैसा लेते, फ्री में काम नहीं कर रहे कोई, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, लेकिन हमसे लेती है क्या पैसा? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज होता है, सिर्फ दवाई का खर्चा लगता है, बाकी नहीं। तो सारा खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, किसके ऊपर? हमारे। तो जो भी पैसा टैक्स में कलेक्ट होता है गवर्नमेंट इस तरह से हमको सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट वो सारा पैसा खर्चा करती है हमको सर्विसेज देने में, अच्छी सर्विसेज। और ऐसा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, दुनिया की हर गवर्नमेंट करती है, हर गवर्नमेंट। आप समझो टैक्स हर कंट्री में है, अलग अलग सिस्टम है, हमारे यहां सिस्टम अलग है, आप स्विट्जरलैंड में जाओगे तो वहां पर सिस्टम अलग है। अभी मैं आपको स्विट्जरलैंड के बारे में एक बात बताता हूँ, वहां पर जो टैक्स सिस्टम है बहुत सिंपल है, वहां पे सिर्फ एक ही टैक्स है, कौन सा? इनडायरेक्ट। वहां पे सिर्फ वैट लगता है सारे गुड्स पे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सब पे सिर्फ 2.5% टैक्स लगता है। वहां पर इनकम टैक्स नहीं है और कोई टैक्स नहीं, सिर्फ एक ही टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है, हमको स्विट्जरलैंड से कोई मतलब नहीं है, हमको फ्रांस से भी कोई मतलब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे? इंडिया से। इंडिया का हमको टैक्स सिस्टम समझना है, सीखना है कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, हमारे देश में टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, टैक्स का सिस्टम क्या है, टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सब हमको TY BCom में सीखना है, ये सब आपके सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया का टैक्स सिस्टम। इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पहले समझते हैं क्या है ये, इसका मतलब क्या है और क्या है ये दो टैक्स, क्यों है? एक क्यों नहीं, एक होता तो ज्यादा अच्छा था, दो क्यों है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ये वो टैक्स है जो सीधा हम अपने पॉकेट से निकालते हैं और किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। This is called as direct tax. यानी जब आप टैक्स सीधा गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? See, हम टैक्स जेब से निकाल के गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देते, हम टैक्स निकालते अपने पॉकेट में से और किसको पे करते हैं? रिटेलर को, दुकानदार को, शॉपकीपर को। और शॉपकीपर किसको पे करता है? गवर्नमेंट पे हम लोग ही कर रहे हैं।
लेकिन क्या हम सीधा गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स रख रहे? नहीं, हम लोग टैक्स किसके हाथ में रख रहे? दुकानदार के हाथ में रख रहे। और दुकानदार किसको दे रहे? गवर्नमेंट को। भाई हम लोग भी कर रहे, गवर्नमेंट को हम लोग भी टैक्स दे रहे, बट नॉट डायरेक्टली। वी आर पेइंग टू गवर्नमेंट थ्रू रिटेलर्स इनडायरेक्टली। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम पे करते हैं बट थ्रू रिटेल, थ्रू होलसेल। तो ये एक डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? ये टैक्स किस पे लगाती है गवर्नमेंट? इनकम। आप और मैं जो कमाते हैं, हम लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम में से एक पोर्शन निकालकर किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो ये जो टैक्स है किसके ऊपर लगाया रही है गवर्नमेंट? हमारे इनकम पे लगा रही है, जो हम कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? या तो बिजनेस करके कमाते हैं या तो सर्विस देकर कमाते हैं। दो में से अभी अपने शेट्टी सर वो भी इनकम कमा रहे, वो बिजनेस से इनकम कमा रहे, तो वो अपने बिजनेस से जो भी इनकम कमाते हैं उसका एक पोर्शन, अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाल कर वो किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। मैं भी इनकम कमा रहा, मैं क्या कर रहा हूं इधर खड़े होकर? मैं फ्री में नहीं करूं। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मैं पैसा देता हूं, शेट्टी सर मुझे पेमेंट करते हैं। मैं इनकम कमा रहा हूं, यहां पर मैं सर्विस देकर इनकम कमा रहा हूं। तो मैं जो इनकम कमा रहा हूं क्या ये पूरा मैं अपने जेब में रख सकता हूं? नहीं। मैं जो इनकम कमाता हूं उस इनकम में से एक पोर्शन निकाल कर मैं किसको दूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा। मुझे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये मेरा फर्ज है। मैं भारत का रिसोर्सेस यूज कर रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं टैक्स पे करूं और मुझे पे करना पड़ता है। तो ये जो टैक्स है वो किस पे लगा रही है गवर्नमेंट? हमारे इनकम पे, जो हम इनकम कमा रहे उस पर टैक्स लगा रही है। और जो टैक्स हम दे भी रहे वो अपने इनकम में से निकाल कर दे रहे, इसके लिए डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स को इसके लिए क्या बोला जाता है? इनकम टैक्स भी बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम पे टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये टैक्स किस पे लगाया जाता है? गुड्स और सर्विस पे। आप बाजार से जो भी कमोडिटी खरीदते हैं, टूथपेस्ट, सोप, अरे ये पेन ले लो, ये जो मार्कर पेन मेरे हाथ में है ये मैंने खरीदी, मार्केट से खरीदी है, स्टेशनरी की दुकान से खरीदी है, 20 रुपया इसकी वैल्यू है, इसका प्राइस है 20 रुपीज, 20 रुपए में खरीदा है। लेकिन मैंने जो 20 मैंने ये पेन खरीदा और दुकानदार को 20 रुपया दिया, लेकिन ये जो 20 रुपया मैंने दुकानदार को दिया क्या ये पूरा पेन का प्राइस है? नहीं, एक्चुअली इस पेन की कीमत सिर्फ कितनी है? 18 रुपीज, और बाकी का 2 रुपया क्या है? टैक्स। तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया किसके ऊपर टैक्स लगाया? इस पेन के ऊपर टैक्स लगाया। तो जब मैं मार्केट से ये पेन खरीदता हूं और इसका प्राइस पे करता हूं तो मुझे नहीं पता इस प्राइस के साथ साथ मैं क्या पे कर रहा हूं? गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं टैक्स? 2 रुपया। मैं दुकानदार को जो 20 रुपया दूंगा वो पूरा 20 रुपया दुकानदार अपने जेब में नहीं रखेगा, दुकानदार उसमें से कितना रुपया अपने जेब में रखेगा? 18 रुपीज, और बाकी का 2 रुपया उसको किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट। ये टैक्स है, ये टैक्स। तो यहां पे जो टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? कमोडिटी पे। मैंने पहले एक एग्जांपल दिया, आप बाजार से टूथपेस्ट खरीदते हो, ब्रश खरीदते हो, नोटबुक खरीदते हो, बैग खरीदते हो, जूते चप्पल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, आप जो कुछ भी कमोडिटी, जो भी गुड्स या सर्विसेज आप मार्केट से बाय करते हो उसके प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड होता है? टैक्स।
प्राइस नहीं होता, उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो आप जब उसका प्राइस पे करते हो तो साथ में टैक्स भी देते हो। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कंज्यूमर टैक्स है, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्स किसके ऊपर लगता है? इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। ये इनकम पे लगता है। हम अपने इनकम का एक पोर्शन निकाल के सीधा गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। और ये जो टैक्स है वो किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस। हम बाजार से गुड्स खरीदते हैं, उसका प्राइस पे करते हैं, प्राइस के साथ साथ क्या पे कर रहे हैं? टैक्स। लेकिन ये टैक्स हम किसको दे रहे हैं? दुकानदार को दे रहे हैं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दे रहे। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे टैक्स लगता है? गुड्स और सर्विस पे। अभी आपने पंकज क्लासेस ज्वाइन किया कि नहीं? आप जब इसका फीस भरेंगे, आपको पता है फीस के साथ साथ क्या लेंगे सर आपसे? टैक्स। वो फीस के अंदर इंक्लूड है। सर ने आपको जो फीस बताया उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। ओके, तो आप फीस के साथ में टैक्स भी पे करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आप वो टैक्स किसको पे करें? शेट्टी सर। शेट्टी सर किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट। शेट्टी सर अपने पास नहीं रखेंगे। अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट डिस्टिंक्शन। सेकंड पॉइंट, इट इज टैक्स ऑन टैक्स ऑन इनकम ऑन बाय पर्सन। ये जो टैक्स है कौन पे करता है? किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी मतलब समझे, लायबिलिटी। जो भी पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स देगा उसको लायबल बोलते हैं। वो आदमी लायबल होता है। द पर्सन पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट इज लायबल। उसको लायबल बोलते हैं, उसकी लायबिलिटी है। तो लायबल कौन है यहां पर? गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट टैक्स किससे वसूल करती है? पर्सन से। वो हर पर्सन जो इनकम अर्न करता है, देखो पूरा पढ़ो, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड बाय पर्सन। मतलब जो भी पर्सन इनकम अर्न करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो लायबल होगा। ही विल बी लायबल। उसको टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। अब पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स ने इसको डिफाइन भी किया। मैं आपको इसका डेफिनेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग सीखेंगे कि पर्सन क्या है, पर्सन किसको बोलते हैं। इनकम टैक्स में इसको डिफाइन किया है, लेकिन मैं अभी एक शॉर्ट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो कौन पे करता है, कौन लायबल है? गवर्नमेंट ने किसके ऊपर जिम्मेदारी है पे डाली है पे करने के लिए? इनकम टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किस पे डाली है? पर्सन। किस पे? पर्सन। हर पर्सन जो क्या कमाता है? इनकम। अब मैं इनकम, मैं पर्सन हूं। पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, तुम मैं हम सारे ह्यूमन बींग्स किस में आते? नेचुरल पर्सन में आते। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आते? बिजनेस, बिजनेस एंटिटी, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन में आते। बिजनेस, नॉन बिजनेस एंटिटीज, एनी पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एनी पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, वो आर्टिफिशियल पर्सन। तो सारे पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल, कोई भी पर्सन अगर वो इनकम अर्न करता है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ही विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स। अभी मैं पर्सन हूं, शेट्टी सर पर्सन है। अच्छा, हम लोग इनकम कमाते हैं क्या? यस, हम लोग इनकम कमा रहे हैं। तो हम लोग लायबल है, हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हम जो इनकम कमा रहे हैं, हम जो इनकम कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उस इनकम में से एक पार्ट किसको पे करना पड़ेगा? तो ये इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में कौन लायबल है? पर्सन लायबल है, हर पर्सन लायबल है।
अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आप स्टूडेंट्स हो? आप इनकम कमा रहे हो? आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो? अगर हाँ आप इनकम कमा रहे हो तो आप भी लायबल हो टैक्स पे करने के लिए। लेकिन अगर आप इनकम नहीं कमा रहे तो आप पे करने के टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, यू आर नॉट लायबल। फिर आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स सिर्फ वही पे करेगा जो इनकम, जो भी पर्सन चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, एनी पर्सन हु अर्न्स इनकम, जो इनकम अर्न करेगा वो हर पर्सन लायबल होगा, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो माइनर हो। एक बच्चा 5 साल का बच्चा है ना, गवर्नमेंट शर्म नहीं करती। अगर वो 5 साल का बच्चा इनकम कमा रहे हाँ तो गवर्नमेंट उसको भी नहीं छोड़ेगा, तू भी टैक्स दे, यू हैव टू पे टैक्स। इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर वो बच्चा अपने स्किल से कमा रहा है, मतलब उसमें अगर कोई स्किल है उससे वो पैसे कमा रहे हैं, जैसे मॉडलिंग करके वो पैसे कमा रहा है, टीवी एड आते हैं ना तो उस पर मॉडलिंग कर, तो वहां से वो पैसे कमा रहा है, हाँ तो गवर्नमेंट को उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, भले वो बच्चा है तो क्या हुआ, माइनर है तो क्या हुआ। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स टैक्स पे करेंगे, बट उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ही इज लायबल, गवर्नमेंट उससे भी टैक्स लेगी, बच्चे से भी टैक्स लेगी। अरे कोई स्मगलर होगा, स्मगलिंग करके पैसे कमा रहा होगा, इनकम टैक्स वाले तो उसको भी बोलेंगे भाई तू भी इनकम टैक्स दे, तू इनकम कमा रहा है। इनकम टैक्स शर्म नहीं करती, इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या काम करते हो, तुम चोरी करते हो, डकैती डालते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या टीचिंग कर रहे हो, तुम क्या काम करते हो, तुम दारू बेच के पैसा कमा रहे हो या दवाई बेच के पैसा कमा रहे हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं। तुम पैसा कमा रहे हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तुमको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बेशरम होके मांगो। दारू बेच रहे हो तो भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा, दवाई बेच रहे हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा। हमारे देश में एक ऐसा स्मगलर भी था, हाँ स्मगलर था एक, जो इनकम टैक्स पे करता था, वो इनकम टैक्स पे करता था, सोचो इलीगल एक्टिविटी से पैसे कमाता था, लेकिन वो भी टैक्स पे करता था और गवर्नमेंट लेती थी उससे टैक्स। तो हर पर्सन इनकम टैक्स में एकदम क्लियर कट लिखा है, गवर्नमेंट कोई शर्म नहीं करेगी, तू कौन है, तू औरत है, आदमी है, बच्चा है, अरे तू पागल होगा ना पागल, लेकिन तू इनकम कमा रहा है, तू इनकम जनरेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट तेरे से भी टैक्स लेगी, भले तू पागल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू अनसम माइंड है, पागल है, बट यू हैव टू पे टैक्स, तुम इनकम कमा रहे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो हर पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अनसाउंड माइंड हो, माइनर हो मेजर हो, 18 साल से कम हो 18 साल से ज्यादा हो, कोई मतलब नहीं, तुम इनकम कमा रहे हो इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यू हैव टू पे टैक्स। तो इनकम टैक्स में कौन लायबल है, हर पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स जो इनकम अर्न कर रहे हैं। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स कौन लायबल होता है, ओनली बिजनेस एंटिटी। इनडायरेक्ट टैक्स ध्यान से देखो कौन लायबल है, ओनली बिजनेस एंटिटी, पर्सन नहीं, हर पर्सन नहीं, खाली एक बिजनेसमैन इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा, कॉमन आदमी टैक्स नहीं पे करेगा, कॉमन आदमी लायबल। मेरी बात ध्यान से सुनो, लायबल मैंने बोला, लायबल मतलब लायबल किसको बोलते हैं, जो आदमी टैक्स सीधा किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट। अच्छा बताओ इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है, रिटेलर, तो रिटेलर लायबल हुआ। लेकिन रिटेलर को वो टैक्स का पैसा कौन देता है, हम लोग देते हैं, हम लोग लेकिन लायबल नहीं है क्योंकि हम सीधा गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम किसको दे रहे, रिटेलर को दे रहे, तो हम लायबल नहीं हो, रिटेलर किसको दे रहे, गवर्नमेंट, तो रिटेलर को लायबल मानेंगे, गवर्नमेंट जिससे टैक्स लेती है वो लायबल कहलाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स किससे लेती है गवर्नमेंट, रिटेलर से, रिटेलर कौन है, बिजनेसमैन, होलसेलर से लेती है, होलसेलर कौन है, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर से लेती है, मैन्युफैक्चरर कौन है, बिजनेसमैन। तो इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ कौन पे करता है, बिजनेस एंटिटी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, हर पर्सन जो इनकम कमाता है, ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। देखो दो पॉइंट मैंने पढ़ा है, पहला पॉइंट क्या पढ़ा है,
डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस पे। डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन है? पर्सन, हर पर्सन जो इनकम कमाता है। इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन है? बिजनेस। ये इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ कौन पे करता है? बिजनेसमैन पे करते हैं, गवर्नमेंट को। और डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? हर पर्सन पे करता है। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इमेज। प्रोग्रेसिव मतलब गवर्नमेंट जिसका इनकम कम है उससे कम टैक्स लेगी, ज्यादा इनकम जिसका है उससे ज्यादा टैक्स लेगी। यानी जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। इनकम इंक्रीज, टैक्स अमाउंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब आप कोई भी इनकम कमाते हो, कम इनकम कमाते हो, ज्यादा इनकम कमाते हो, आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा, सेम अमाउंट। समझा, पहले ये समझ ले प्रोग्रेस, ठीक है? अभी मेरी इनकम 5 लाख है ना, तो मुझे 12,000 रुपया टैक्स देना है, बराबर। कल मेरी इनकम 10 लाख होगी तो तब भी मुझे 12,000 ही देना पड़ेगा? नहीं, मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा टैक्स भी बढ़ जाएगा। फिर मुझे 12,000 से हो सकता है 30,000 रुपया टैक्स देना पड़े, 40,000 रुपया टैक्स देना पड़े। यानी मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, कि जो गरीब है उससे कम टैक्स लेती है या टैक्स नहीं लेती, मिडिल क्लास है उससे थोड़ा ज्यादा टैक्स लेगी, और जो रिच क्लास है उससे सबसे ज्यादा टैक्स लेगी। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब गवर्नमेंट का थ्योरी क्या है कि ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स भरेगा, कम इनकम कम टैक्स। और सही है, जिस जो कम कमाता है वो कम टैक्स भरे, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स भरे। वेरी सिंपल। तो इसके लिए डायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब वहां पर इनकम देखा जाता है कि कितना इनकम है। अगर इनकम कम है तो टैक्स भी कम होगा, इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है कमोडिटी पे, अब जैसे ये पेन है, इसकी कीमत कितनी है? 20 रुपए, 20 रुपीज। लेकिन इसमें से पेन का प्राइस सिर्फ 18 रुपया है और इसमें टैक्स कितना है? 2 रुपया। अब ये पेन कोई भी खरीदे उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 2 रुपए। मतलब एक गरीब आदमी अगर ये पेन खरीदता है तो भी उसको कितना टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट उस पर? 2 रुपया। और एक अमीर धीरू भाई अंबानी ये पेन खरीदेगा तो उसको भी कितना टैक्स दे रहा है? 2 रुपया। मैं पेन खरीद रहा हूं, चलो तो कितना टैक्स दूंगा? 2 रुपया। धीरू भाई अंबानी यही पेन धीरू भाई अंबानी भी खरीद रहा है तो वो भी कितना टैक्स पे कर रहे हैं? 2 रुपया। क्या यहां पर गवर्नमेंट ने इनकम का साइज देखा कि मेरा इनकम कितना है, धीरू भाई अंबानी का इनकम कितना है, धीरू भाई अंबानी बहुत इनकम कमा रहा है तो उससे ज्यादा टैक्स हो, ऐसा देखा क्या? नहीं, एक ही टैक्स लगाया 2 रुपया कमोडिटी के ऊपर। अब जो भी ये पेन खरीदेगा चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो रिच क्लास का हो या पुअर क्लास का हो या मिडिल क्लास का हो, उसको टैक्स फिक्स देना है। यहां पर टैक्स फिक्स है, उसका रेट फिक्स है सबके लिए। वो कोई भी इनकम ग्रुप से आता हो, लो इनकम ग्रुप से आता हो, हाई इनकम ग्रुप से आता हो, कोई मतलब नहीं, उसको टैक्स रेट फिक्स है, उसको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेग्रेसिव इन नेचर। ये रेग्रेसिव है इनडायरेक्ट टैक्स, और अपना डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है? ये डिफरेंस है किसमें? डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है? टीवाई बीकॉम का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको ये डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है।
और इंडिया में ये दोनों सिस्टम है। हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स भी लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है, इतना समझ लो। हम दोनों टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ हमारी जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 3% लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, 97% लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते ही नहीं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? इनडायरेक्ट टैक्स, कमोडिटी पे टैक्स लगाती है। आप बताओ 130 करोड़ का पॉपुलेशन, इतने लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो डायरेक्ट टैक्स से नहीं कलेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट को उसको सोचना पड़ा, और इसलिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स और कमोडिटी पे टैक्स लगाना स्टार्ट। लेकिन अभी भी मैं बता दूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो है टैक्स सिस्टम, लेकिन आज भी आपको ऐसा लगता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा आता है, नहीं, आज भी गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है टैक्स का, वो सबसे ज्यादा किससे आता है? डायरेक्ट टैक्स से आता है। आज भी डायरेक्ट टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करती है, इनडायरेक्ट टैक्स से भी आता है, अच्छा पैसा आता है, लेकिन कम। हम दोनों चीज पढ़ेंगे, हमको डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स भी पढ़ना है, इनकम टैक्स भी पढ़ना है हमको, और हमको क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है। ये दोनों आपके सिलेबस में है, ठीक है? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है? आपका जो सेमिस्टर 5 है, सेमिस्टर 5 में आपको इनकम टैक्स है, और सेमिस्टर 6 में आपको क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अगले सेमिस्टर में आपको इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सेमेस्टर में तो आपको इनकम टैक्स है, तो वो सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? तो इनकम टैक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग इधर स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इनकम टैक्स। ओके, बाय।